Good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting computer subject for standard second. Chapter 5, application of a computer, part 1. बच्चों, previous part में हमने computer की बहुत सारी information ली थी, computer के storage device and computer के parts के बारे में पढ़ा था, है ना? History computer की जानी थी, right? तो अभी कंप्यूटर के एप्लीकेशन जानते हैं. कंप्यूटर हमें कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, आपको तो पता ही होगा. आपने कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर देखे हैं? यस, यू आर राइट कि आपने कंप्यूटर आपके घर पे भी देखे हैं, स्कूल में भी देखे हैं, ऑफिसेस में भी देखा है, बैंक में गए होगे तो बैंक में भी सब लोग कंप्यूटर पे काम करते होगे, राइट? सो आज हम ये कंप्यूटर के एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स ओपन योर कंप्यूटर टेक्स्ट बुक एंड ओपन योर चैप्टर 5, एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर. टुडे लेट्स नो अबाउट यूजर्स ऑफ कंप्यूटर. आज हम पढ़ेंगे कि यूज कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से फील्ड में होता है. सो इन एजुकेशन फैक्टर में होता है, एट होम होता है, एट ट्रांसपोर्ट होता है, इन बैंक होता है, इन डिज़ाइनिंग, इन हॉस्पिटल एंड रिसर्च स्पेस एंड रिसर्च. इतनी सब जगह में, ये सब फील्ड में कंप्यूटर के लॉट्स ऑफ यूजेस होते हैं. बहुत अच्छे से फास्ट वर्किंग के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है बच्चों. सो स्टार्ट करते हैं. ये प्रीव्यू था, है ना? सो चैप्टर में हम देखेंगे यस. टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. आज ऐसा टाइम है कि कंप्यूटर ये हर एक फील्ड में, हमारे डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का यूज़ बहुत सारा होता है ना? अभी ऑनलाइन टीचिंग है तो ऑनलाइन टीचिंग भी लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत टैब, इस पे इसका सबका यूज़ होता है ना? कंप्यूटर इज़ नाउ यूज्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन एंड नीडेड टू एक्सप्लोर न्यू एरिया ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च. कंप्यूटर अभी यूज़ होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए और उसको एक्सप्लोर यानि शेयर करने के लिए, है ना? कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना है. सो इसलिए हमको कंप्यूटर ये बहुत काम में आता है. सो लेट्स स्टार्ट यूजर्स ऑफ कंप्यूटर. यूजर्स ऑफ कंप्यूटर कैसा होता है देखते हैं. इन एजुकेशन फील्ड, इन एजुकेशनल फील्ड में क्या काम होता है देखते हैं. कंप्यूटर इज वाइडली यूज इन अ स्कूल्स. इट इज यूज फॉर टीचिंग पर्पस के लिए होता है. इट इज यूज टू मेक टाइम टेबल बनाने के लिए ये होता है. इट इज़ यूज टू मेंटेन द स्टूडेंट के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है. इट इज़ यूज टू कलेक्ट द फीस एंड प्रिपेयर द रिजल्ट. फीस का कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट, ये सब और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर का यूज होता है. इसके अलावा इट इज़ यूज टू राइट ऑफिशियल लेटर, नोटिसेस, मेमोरेंडम, इनविटेशंस एक्सेट्रा. सब कुछ कंप्यूटर पे होता है. एजुकेशन फील्ड में टीचिंग पर्पस के लिए, स्टूडेंट का डेटा अपडेट करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, फिर लॉट्स ऑफ काम हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं. जैसे कि टीचिंग के लिए भी कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं. राइट नाउ मैं वही कर रही हूँ, है ना? ओके, नाउ एट होम, घर पे कंप्यूटर कौन कौन से काम में आता है? तो कंप्यूटर इज वेरी इसेंशियल इन मॉडर्न लाइफ. कंप्यूटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सम चिल्ड्रंस आल्सो हैव कंप्यूटर एट देयर होम्स.
They use as computer for playing games, studying various subject, study करने के लिए, learning spellings, spelling learn करने के लिए, making drawing on ईंट, maintaining the record for their pocket money, है ना? तो बच्चों, आप किस किस में काम ने किस 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 के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हो? यस, गेम के लिए तो कर रहे होगे, गेम एंड ड्राइंग के लिए तो कर ही रहे होगे, पर अभी बच्चों आपके स्टडी के लिए भी आपने ये काम कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है ना? और मेक योर टाइम टेबल, आप उस पे आपका टाइम टेबल शेड्यूल डिजाइन कर सकते हो, है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, इन ट्रांसपोर्ट। इन ट्रांसपोर्ट यानी कहाँ कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सा है? यस, इट्स रेलवे, इट्स एयरपोर्ट, है ना, बस स्टैंड। तो बच्चों, आपने बस स्टैंड पे, अगर अदरवाइज रेलवे स्टेशन पे, अदरवाइज एयरपोर्ट पे आपने ये सब देखे होंगे, ये से बैनर्स पॉपअप होते हैं कि कब आपका अराइवल है, कब डिपार्चर है, कब आपकी बस आने वाली है, जाने वाली है, ऐसे डिस्प्ले होता है ना? ये सब कंप्यूटर मैनेज करता है। फिर आप कभी ट्रैवलिंग के लिए जाना है रहता है, तब आप बिफोर दैट आप ऑनलाइन बुकिंग भी करते हो ना, तो वो भी सब कंप्यूटर पे होता है। तो देखते हैं, कंप्यूटर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, ऑल्सो बस स्टेशन ऑल्सो। कंप्यूटर इन्फॉर्म्स द पैसेंजर अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। अराइवल यानी आने का टाइम एंड डिपार्चर यानी जाने का टाइम ऑफ एरोप्लेन, ट्रेन्स और बस, है ना? सब में काम आता है कंप्यूटर। एंड इट मेंटेन्स रिकॉर्ड्स एंड अलॉट द रिजर्वेशन टू वेरियस पैसेंजर। हम ऑनलाइन जब बुकिंग करते हैं ना, तब हमारी सीट की रिजर्वेशन कितनी बस में या रेलवे में या एरोप्लेन में कितनी जगह है वो हमको ऑनलाइन दिखता है ना? तो रिजर्वेशन के लिए भी हमको कंप्यूटर का यूज़ होता है। ओके, नाउ इन बैंक, बैंक में कैसे काम होता है कंप्यूटर पे वो देखते हैं। कंप्यूटर आर यूज टू बैंक यूज इन बैंक फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट अकाउंट होल्डर। कितने बैंक में तो कितने अकाउंट होल्डर हो गए, देर आर लॉट्स ऑफ अकाउंट होल्डर, राइट? तो वो सब के हर एक के डेटा मेंटेन करना, इतना सारा डेटा कंप्यूटर में फीड करना है, इसलिए कंप्यूटर का यूज़ होता है, क्योंकि कंप्यूटर वर्क फास्ट होता है ना? कंप्यूटर पर बहुत सारा डेटा भी हम सेव कर सकते हैं और कम टाइम में उस पर काम भी कर सकते हैं। सो इसलिए बैंक में इसका कंप्यूटर का बहुत सारा काम होता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ कैश। कैश का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। ओके, अभी तक हमने कहाँ पे देखा? स्कूल, बैंक, ट्रांसपोर्ट एंड होम, है ना? अभी डिजाइनिंग फील्ड में देखते हैं। डिजाइनिंग फील्ड में क्या होता है बच्चों? इन डिजाइनिंग कंप्यूटर हेल्प्स इन डिजाइनिंग मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स, एडवर्टाइजमेंट। कोई भी एडवर्टाइजमेंट या मैगजीन बनाना है, न्यूज़पेपर पब्लिश करना है, तो ये सब डिजाइनिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग द बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। जो आर्किटेक्चर लोग डिजाइनिंग बनाते हैं घर के या कोई भी बिल्डिंग है, तो उसका डिजाइनिंग कंप्यूटराइज होता है। तो डिजाइनिंग फील्ड में भी कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज होता है। नाउ इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में किस हिसाब से उसका यूज़ किया जाता है? इन हॉस्पिटल कंप्यूटर इज यूज इन हॉस्पिटल टू डायग्नोज एंड क्योर द डिजीजेस। बच्चों, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल में देखा होगा, एक्सरे ऑब्जर्व कर रहे होंगे या सोनोग्राफी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, है ना? तो वो उससे पहले डॉक्टर कंप्यूटराइज में ऑब्जर्व करते हैं हमारा
हमारा जो भी एक्सरे निकाला हुआ रहता है, फिर उस पे से वो डायग्नोस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या कहाँ पे बीमारी है, क्या क्या है, और उस हिसाब से हमको मेडिसिन लिखते हैं, है ना, और रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो ये रिपोर्ट जनरेटिंग के लिए, डिजीज़ ऑब्जर्व करने के लिए कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स भी कंप्यूटराइज होते हैं आजकल, तो उसके लिए भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ इन स्पेस एंड रिसर्च, स्पेस एंड रिसर्च में भी कंप्यूटर यूज होता है। कंप्यूटर इज यूज टू लॉन्च सैटेलाइट एंड रॉकेट। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे कंप्यूटर रॉकेट के और सैटेलाइट के प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, और उसके हिसाब से उसको लॉन्च करने के लिए भी कंप्यूटर कंप्यूटर यूज होता है। कंप्यूटर इज यूज टू कंट्रोल द मोमेंट ऑफ सैटेलाइट्स इन द स्पेस। सैटेलाइट को कंट्रोल करना है तो भी हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर हमारे डे टू डे लाइफ में इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है, पार्ट रोल करता है। सो लेट्स रिवाइज द पॉइंट, पॉइंट्स को रिवाइज कर देते हैं बच्चों। यस, कंप्यूटर आर यूज इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यस, कंप्यूटर इज यूज इन स्कूल फॉर टीचिंग पर्पस, मेकिंग टाइम टेबल, मेंटेनिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, प्रिपेयरिंग रिजल्ट, ऑफिशियल लेटर्स एंड इन्विटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए कंप्यूटर का स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंप्यूटर इज वेरी इसेंशियल इन मॉडर्न लाइफ। कंप्यूटर इन्फॉर्म्स द पैसेंजर अबाउट अराइवल। अराइवल यानि आना, एंड डिपार्चर यानि जाना। बस का आने जाने का, ट्रेन का आने जाने का, एरोप्लेन का आने जाने का टाइम हमको कंप्यूटर थ्रू मिलता है। कंप्यूटर आर यूज इन अ बैंक फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर्स के डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का यूज बैंक में होता है। कंप्यूटर हेल्प्स इन डिजाइनिंग मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड एडवर्टाइजमेंट एंड बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करने के लिए, मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक डिजाइनिंग के लिए कंप्यूटर का यूज होता है इन डिजाइनिंग फील्ड में के लिए। एनिमेशन भी, आप कार्टून्स देखते हो ना, वो भी एनिमेट किए रहते हैं, वो भी कंप्यूटराइज एनिमेशन किया हुआ रहता है बच्चों। कंप्यूटर इज यूज्ड इन हॉस्पिटल टू डायग्नोज एंड क्योर द डिजीज। कंप्यूटर इज यूज्ड टू लॉन्च सैटेलाइट एंड रॉकेट। ओके, आई होप बच्चों आपको कंप्यूटर के यूजेस अच्छे से दिमाग में बैठे होंगे। नाउ कंप्यूटर के मैनर्स देखते हैं। ऑलवेज कीप योर माउस ऑन माउस पैड। माउस को माउस पैड पे ही रखना है, क्योंकि माउस पैड हेल्प्स इन बेटर मोमेंट ऑफ माउस। माउस पैड के अलावा माउस की जो मोमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसलिए हमको एवरी टाइम माउस पैड यूज़ करना है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय।